नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा। वेलकम टू इजी कुकिंग विद शिल्पा। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन पीस पुलाव। मटर का सीजन तो शुरू हो ही चुका है, तो हम बहुत सारी मटर की रेसिपीज कवर करेंगे। तो आज बनाएंगे ग्रीन पीस पुलाव। गरम किए हुए पैन में 4 चम्मच घी लेंगे। अब इसमें हम सब ये खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में इसमें हमने लौंग, दालचीनी, इलायची, हरी इलायची, बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ते डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें लिए हैं, काले मिरे भी थोड़े से लिए हैं। ये सब फ्राई करेंगे। अब हम लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे। मैंने ये बड़ा सा एक प्याज लिया है, इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए, बारीक कटे हुए गाजर डालेंगे। इसे पुलाव का कलर बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए। इसी के साथ हम 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक भी डाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को 2 मिनट तक पकने देंगे। ये सारी चीज़ें पक चुकी हैं, देखिए इस तरह से दिखेगा ये। अब हम इसमें 1.5 कप हरे मटर डालने वाले हैं। अब हम इसमें सोक किए हुए चावल डालेंगे। 2 कप चावल हम डाल रहे हैं। इसमें अब हम नमक डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसमें हम गरम किया हुआ पानी डाल रहे हैं। हमने 2 कप चावल लिए हैं, इसलिए हम 3.5 कप गरम किया हुआ पानी यूज कर रहे हैं। इसे मिक्स कर लीजिए। 7 से 8 मिनट तक बर्तन ढक के इसे पकने दीजिए। सात मिनट के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के स्लो गैस पे पकने देंगे। लीजिए, आपका पुलाव तैयार हो गया। एंजॉय कीजिए।